नमस्ते मेरे प्यारे भैया बहनों, आज हम कक्षा 4 का है पर्यावरण विषय में पाठ 6 और उसका भाग 1 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है पेड़ पौधों की देखभाल। आज का जो हमारा प्रकरण है वह है जड़ों के काम। पेड़ पौधे हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, ये हमारे क्या काम आते हैं और इनसे हमको क्या क्या प्राप्त होता है, उसके बारे में मैं आपको समझाने जा रही हूँ। पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार हैं और इनकी देखभाल व सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए अधिक से अधिक पेड़ उगाकर व उनकी देखभाल करके हम इस प्रकृति को व मानव जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। पेड़ जो है वह हमारे जीवन की मुख्य आधार है। अगर ये सुरक्षित रहेंगे तो हमारा मानव जीवन स्वतः ही सुरक्षित हो जाएगा। अतः वातावरण और पर्यावरण को शुद्ध और स्वच्छ बनाए रखने के लिए इनको सुरक्षित रखना अति आवश्यक है। आज मैं मेरे पाठ की शुरुआत एक कविता के माध्यम से कर रही हूँ। आओ हम सब मिलकर पेड़ लगाएं, हरियाली सब और फैलाएं, पेड़ हरा सो ना कहलाते, वायु को ये स्वच्छ बनाते, एक एक सब पेड़ लगाओ, मीठे मीठे फल भी खाओ। मनुष्य की मूलभूत 3 आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन जीवित रहने के लिए और जीवन को सुरक्षित और स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधों का होना अति आवश्यक है, क्योंकि जो प्राण वायु है यानी जो हमको ऑक्सीजन प्राप्त होती है वह हमें इन पेड़ों के माध्यम से ही प्राप्त होती है। अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो मनुष्य जीवन कैसे सुरक्षित रह सकता है। अतः मानव जीवन को सुरक्षित बनाए रखने के लिए और शुद्ध और स्वच्छ वायु प्राप्त करने के लिए, ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए हमें पेड़ों को सुरक्षित रखना और उनकी देखभाल करना अति आवश्यक है। पेड़ों से हमें कई प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं, जैसे फल, फूल, औषधियाँ, जिनसे हम कई प्रकार का इलाज करते हैं, उपचार करते हैं। और इनसे जो मुख्य चीज़ प्राप्त होती है, जो हमारे जीवन जीने का मुख्य आधार है, वो है शुद्ध वायु, जो हमें इन पेड़ पौधों के माध्यम से ही प्राप्त होती है। तो भैया बहनों, आपको आज मैं पेड़ पौधों के बारे में अंतर बताने वाली हूँ। अधिकतर भैया बहन पेड़ और पौधों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों एक नहीं है, इन दोनों में अंतर है। पेड़ पौधों में क्या अंतर है उसके बारे में समझा रही हूँ। पहला, पेड़ जिनका तना लंबा व मजबूत होता है एवं आयु अधिक होती है उन्हें पेड़ कहा जाता है। तो भैया बहन आप इस पेड़ के चित्र को देख रहे हो अच्छे से। इस पेड़ के चित्र में ये इसके नीचे का जो भाग है वो बहुत ही मजबूती से खड़ा है और इसकी लंबाई भी बहुत अधिक है। और एक और बात कि जो पेड़ हैं उनके लिए अधिक ज़मीन की आवश्यकता होती है। पेड़ों को घरों में उगाने के लिए भी उनके लिए एक निश्चित मात्रा में उनके लिए ज़मीन का स्थान छोड़ा जाता है, तभी पेड़ों को हम उगा सकते हैं। इसलिए पेड़ों के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता रहती है, क्योंकि वह पौधे का रूप जब बड़ा होकर पेड़ बन जाता है तो उसकी जड़ें जो हैं वह अधिक स्थान को घेर लेती हैं और वह मजबूती से वहाँ खड़ा रहता है और उसकी जो है ऊंचाई भी है, उसकी जो लंबाई भी है वो भी बढ़ने लगती है। दूसरा है पौधा जिनका तना कोमल एवं छोटा होता है उन्हें पौधा कहते हैं। हम अब अधिकतर अपने घरों में गमलों के अंदर जो पौधे लगाते हैं वह छोटे छोटे होते हैं, जैसे कैक्टस है या मनी प्लांट है या तुलसी का पौधा है। ये छोटे छोटे पौधे जो हैं हम अपने घरों में लगाते हैं तो उन्हें हम पौधा कहते हैं। वे बड़े कोमल होते हैं और लंबाई में भी छोटे होते हैं। आज जो हमारा प्रकरण है वह जड़ों के काम, उसके बारे में मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि जड़ें किस प्रकार काम करती हैं और किस प्रकार वे अपना भोजन बनाती हैं और कैसे बनाती हैं उसके बारे में समझा रही हूँ। पेड़ पौधों का कुछ भाग भूमि के अंदर होता है और कुछ भाग बाहर, यानी पेड़ पौधों का जो ये जड़ों वाला जो भाग है वह ज़मीन के अंदर होता है और ऊपर जो तना और फूल पत्तियां जो होती है वह बाहर होता है। तो पेड़ पौधों की भूमि की जो अंदर वाला भाग है उसे हम जड़ कहते हैं। जो भूमि के अंदर गहराई तक गड़े हुए होते हैं वो जड़ का भाग होता है। जड़ें पेड़ पौधों को भूमि पर स्थिर रखती है। इन्हीं जड़ों के माध्यम से पेड़ जो हैं वह स्थिर रूप से एक स्थान पर खड़ा रहता है। ये भूमि से जल या लवण सोखते हैं जिससे पौधों को
भोजन बनाने में सहायता मिलती है। एक गर्भवती महिला के पेट में जब बालक होता है तो वह माँ की आहार नाल से उस बालक के आहार नाल जुड़ी हुई होती है, जिससे उसको पोषण प्राप्त होता रहता है और उसका विकास होता रहता है। ठीक उसी प्रकार जड़ें जो हैं वह भूमि के अंदर जल लवण तत्वों को सोखती हैं और अपना भोजन बनाती हैं। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा प्रयोग किया है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैं आपके सामने ये पानी से भरा हुआ छोटा ग्लास रख रही हूँ, इसमें लगभग मैंने 15 ml पानी भरा है। और किस प्रकार जड़ें पानी को सोखती हैं अंदर, उसके बारे में मैं आपको समझाने जा रही हूँ। ये जो आप चौक देख रहे हो, ये चौक जिसके माध्यम से हम भैया जी दीदी जी आपको बोर्ड पे पढ़ाते हैं और लिखाते हैं, तो ये जो आप चौक देख रहे हो ये अभी चौक सूखी है। और इसी सूखी चौक को मैं इस भरी हुई पानी की ग्लास में डाल रही हूँ। आप देख रहे हो इस पानी के अंदर इस चौक को डालने के बाद, कुछ देर बाद हम इस चौक को जब बाहर निकालते हैं तो आप देखिए इस चौक का जो नीचे वाला हिस्सा है वो पूरी तरह पानी से गीला हो चुका है। तो इस प्रयोग से ये सिद्ध हो जाता है कि जड़ें भी जमीन के अंदर से जल एवं लवण सोख कर अपना भोजन बनाती हैं। अब जड़ों वाले पेड़ पौधे कौन कौन से हो सकते हैं, तो खेजड़ी का पेड़, बरगद का पेड़ और वट वृक्ष हैं, पीपल का पेड़ है, इत्यादि कई जड़ों वाले पेड़ होते हैं। आज मैं आपको खेजड़ी के पेड़ और बरगद के पेड़ के बारे में बताने जा रही हूँ। आप इस चित्र को अच्छे से देखिए, ये खेजड़ी का पेड़ है, ये अधिकतर हमारे राजस्थान में पाया जाता है, इसीलिए इसको हमारा राज्य वृक्ष भी घोषित किया गया है। खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष है, इसकी जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती हैं और पानी ढूंढकर सोख लेती हैं। खेजड़ी राजस्थान में पाए जाने वाले जानवरों का मुख्य भोजन भी है। राजस्थान में हमेशा से ही पानी की कमी रही है, यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, लेकिन इस कम पानी के बावजूद भी राजस्थान में इस प्रकार खेजड़ी के वृक्ष स्वतः ही खड़े हो जाते हैं, यानी थोड़े से पानी से ही ये अपने आप विकसित होकर बड़े हो जाते हैं। ठीक इसी के नीचे मैंने आपको ये बरगद के पेड़ का चित्र बताया है, आप इसको ध्यान से देखिए। बरगद का पेड़, बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, ध्यान रखना। खेजड़ी जो है वह हमारे राजस्थान राज्य का वृक्ष है, यानी वह राज्य वृक्ष है, और बरगद जो है वह हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। बरगद के पेड़ की शाखाएं जिससे निकली जड़ें लंबी होती होती जमीन तक पहुंचकर मिट्टी में चली जाती। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए, इस पेड़ से निकलने वाली ये जड़ें जो हैं ये मजबूती से इस पेड़ को खड़ा किए हुए हैं। ठीक ये पूरी जड़ें जो हैं जमीन के अंदर गहराई तक गड़ी हुई हैं और इसी के आधार पर ये पेड़ इसके यहाँ पर स्थिर रूप से खड़ा है। और इससे निकलने वाली ये जो लंबी लंबी शाखाएं हैं, आप देख रहे हो इस चित्र में कि बालक किस प्रकार इन शाखाओं पे झूले झूल रहे हैं, जिस प्रकार बंदर एक डाली से दूसरी डाली पर छलांग मार कर इधर से उधर जाता है, ठीक उसी प्रकार हम इन शाखाओं के पकड़ कर इधर से उधर कूद सकते हैं, झूले झूल सकते हैं। तो ये जो शाखाएं हैं इतनी लंबी हो जाती हैं कि होते होते ये जमीन को छूकर मिट्टी के अंदर तक चली जाती हैं। अब मैं आपको रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों के नाम बताने जा रही हूँ कि कम मात्रा वाले स्थान पर भी किस प्रकार ये पौधे स्वतः उग जाते हैं। कैक्टस और नागफनी आदि की जड़ें बारिश के थोड़े से पानी को भी पूरी तरह सोख लेती है। मैंने आपको अभी बताया राजस्थान में वैसे भी पानी की बहुत अधिक समस्या रहती है, यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, इस कारण यहाँ पर प्रत्येक प्रकार के पौधों का उगना या पेड़ों का विकसित होना संभव नहीं है। अतः यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के पेड़ पौधे ही होते हैं, जैसे कैक्टस, नागफनी और पेड़ में खेजड़ी का पेड़। तो ये जो सारे हैं वह थोड़े से पानी में ही जो है पूरी तरह उसको जमीन में से सोख लेते हैं और अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। नीचे आपको मैंने जड़ों के चित्र बताए हैं कि जड़ें कैसी होती हैं। एक एनीमिक व्यक्ति जो होता है, अर्थात जो कमज़ोर व्यक्ति होता है और उसके शरीर में कमजोरी के कारण उसके जो पूरे त्वचा के ऊपर हरी हरी नसें किस प्रकार दिखाई देती, ठीक उसी तरह ये जड़ें भी हमको दिखाई दे रही। आप देखिए इसको, ये इसके बालों की तरह रेशे पूरी तरह फैले हुए हैं जड़ों के,
और पास में ही सूखे पौधे का चित्र भी आप देख रहे हो, तो क्या अंदाजा लगा सकते हो कि कभी भी सूखा पौधा भी वापस जीवित होकर खड़ा हो सकता है? यदि इस सूखे हुए पौधे की जड़ें अगर अभी भी गीली है और नरम है तो वह पौधा वापस उग जाता है। कैसे? अभी मैं आपको इसके बारे में समझा रही हूँ। पौधों की जड़ें जैसे घास व दूर आदि को उखाड़ने से वे आसानी से नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते होंगे भैया बहन वो आसानी से? क्योंकि जड़ें जो हैं वह जमीन के अंदर बहुत गहराई तक लगी रहती हैं, बंधी हुई होती हैं। इस कारण उसको हम पूरी ताकत लगा कर खींचते हैं तो भी वह नहीं निकलती हैं। तो घास व दूब आदि को उखाड़ने से वे आसानी से नहीं निकलते, क्योंकि जड़ें पौधे को जमीन से बांधे रखती हैं। इसी प्रकार सूखे पौधे को भी हम उखाड़ कर उसकी जड़ों को वापस उगाएं तो वह पौधा उग जाता है। तो आज जो हमने पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा कि पेड़ पौधे क्या हैं, पेड़ पौधों में अंतर, जड़ों का काम, और खेजड़ी और बरगद का पेड़, रेगिस्तानी पौधे कौन कौन से हैं, और पौधों की जड़ें उखाड़ने के बाद भी क्या वापस सूखा हुआ पौधा उग सकता है, इसके बारे में मैं आज आपको बताया। तो आज इस पाठ में हमने क्या क्या बिंदु सीखे हैं उसके बारे में बता रही हूँ। आज हमने इस पाठ में भूमि के अंदर वाले भाग को जड़ कहते हैं ये सीखा। जिनका तना लंबा व मजबूत होता है वह आयु अधिक होती है, वे पेड़ कहलाते हैं। जिनका तना छोटा एवं कोमल होता है वह पौधा कहलाता है, इसके बारे में सीखा। पेड़ और पौधे के बारे में दोनों में अंतर समझा। चौथा हमने खेजड़ी व बरगद जड़ों वाले पेड़, जड़ों वाले पेड़ कौन कौन से हैं इसके बारे में समझा। पाँचवा कैक्टस नागफनी रेगिस्तानी पौधे हैं, यानी रेगिस्तानी पौधों के कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। तो इसी पाठ के आधार पर मैंने भैया बहन आपको कक्षा कार्य में कुछ प्रश्न दिए हैं। मेरा पहला प्रश्न है, आपने किन किन पेड़ों की जड़ें देखी हैं? तो हमारा उत्तर होगा, हमने बरगद, पीपल, नीम, खेजड़ी, वट वृक्ष आदि की जड़ें देखी है। इसके अलावा भी आपके आसपास में अगर कोई पेड़ हो तो उनके देख कर आप उसके नाम भी इसमें लिख सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न है, तेज हवाओं में अधिकांश पेड़ पौधे उखड़ क्यों नहीं जाते हैं? तो मैंने आपको आगे भी समझाया था कि क्यों नहीं उखड़ते हैं वो। उत्तर है इसका, जड़ों के कारण पेड़ पौधे जमीन से जुड़े रहते हैं, इसीलिए तेज हवाओं से नहीं उखड़ते। यानी पेड़ों की जड़ें जमीन के बहुत अधिक गहराई तक चली जाती है, जिसके कारण उनको मजबूती मिल जाती है और वह मजबूती के कारण आसानी से नहीं उखड़ते हैं। मेरा प्रश्न तीन, यदि हम घर में लगे पौधों की जड़ों को पानी नहीं दें, केवल उसकी पत्तियों को रुई से गीला करें, तो पौधे का क्या हाल होगा? जाहिर है हम सब समझ गए, पौधा, उत्तर होगा पौधा सूख जाएगा, क्योंकि पौधे की जड़ों को पानी मिला ही नहीं तो पौधा कैसे विकसित होगा। अब गृह कार्य के लिए मैंने आपको दो प्रश्न दिए हैं, वो बहुत ही सरल है। पहला प्रश्न है, पेड़ पौधों में क्या अंतर है? इसको मैंने आपको विस्तार रूप से चार्ट पर समझाया है, उसमें से आप उसका उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न, हमारा राज्य वृक्ष और राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? इसका उत्तर भी मैंने आपको चार्ट पे भी समझाया है, और इन सब दोनों प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको हमने सीखा बिंदु में भी बताए हैं, तो उसमें देखकर आप इसमें उत्तर लिख सकते हैं। उम्मीद है मेरा ये आज पाठ 6 का भाग 1 आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।